प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, फाइटोहार्मोन्स या PGR, जब इनकी स्प्रे हम एप्पल फ्लावर्स पे करते हैं तब क्या होता है, रिसर्च क्या कहता है इसके बारे में, सुकास्ट कश्मीर क्या कहता है इसके बारे में, जो हमारे फार्मर्स के रिजल्ट है क्या वो इस रिसर्च के साथ मैच होते हैं या नहीं, और फाइनली क्या ये आपको स्प्रे करनी चाहिए या नहीं, इस वीडियो में इसी के बारे में बात होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ समीउल्लाह और आप देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर इन कश्मीर। देखिए दोस्तों, पहले जो भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो रिसर्च बेस्ड है, मैंने अपने से कुछ नहीं बोला है। दूसरा, जितनी भी इसमें टेक्निकल टर्म्स होगी, टर्मिनोलॉजी आएगी, उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, उनको इंशाल्लाह मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगा। देखिए दोस्तों, प्लांट्स में 5 तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं जिनको हम ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन के नाम से जानते हैं। इन पाँचों में 3 हार्मोन्स ऐसे हैं जिनको हम स्प्रे करते हैं ज्यूरिंग फ्लावरिंग, वो है ऑक्सिन, गिबरलिन और साइटोकाइनिन। इन तीनों में मैं ज़्यादा जोर गिबरलिक एसिड पे दे रहा हूँ क्योंकि उसके साइंटिफिक एविडेंसेस बहुत ज़्यादा है। अब देखिए दोस्तों, जब हमारा फार्मर गिबरलिक एसिड की स्प्रे फ्लावर्स पे करता है तो उसके मन में हमेशा 3 क्वेश्चन रहते हैं। पहला, ये प्रोडक्शन कैसे बढ़ गई? दूसरा, फ्रूट ड्रॉप क्यों ज़्यादा हो रहा है? और तीसरा, रिटर्न ब्लूम पर क्या असर होगा? ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब चलिए पहले तीसरे का आंसर ढूंढते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आपस में इंटर रिलेटेड है, इसलिए पहले तीसरे से ही स्टार्ट करते हैं। अब चलिए दोस्तों, पहले रिटर्न ब्लूम को समझते हैं, उसका मतलब क्या होता है। रिटर्न ब्लूम का मतलब हो गया, अगर 2-3 साल आपके प्लांट में अच्छा खासा फ्रूट दिया, फिर चौथे साल वो डिप कर देगा प्रोडक्शन, यानी अगर एक साल उसने ज़्यादा फ्रूट्स दिए, दूसरे साल कम दे रहा है वो, इसको रिटर्न ब्लूम कहते हैं। अब क्या ये हकीकत में ये रिटर्न ब्लूम गिबरलिक एसिड जो हम स्प्रे करते हैं उसकी वजह से है या और भी कुछ फैक्टर्स है, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, रिसर्च कहता है जब आप गिबरलिक एसिड स्प्रे करते हो इन फ्लावर्स पे तो वहाँ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बन जाते हैं। पार्थेनोकार्पिक वो फ्रूट हो गया जिसमें सीड नहीं होता। 2 तरह के फ्रूट्स आपको मिलेंगे उस प्लांट पर जिस पर आपने गिबरलिक एसिड का स्प्रे किया होगा। पहला, नॉर्मल जो पॉलिनेशन की वजह से बना होगा उसमें सीड आप देखोगे, और दूसरा जो गिबरलिक एसिड की वजह से बना होगा जिसमें सीड नहीं होगा उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। क्या हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हार्वेस्ट के टाइम पे? बिल्कुल हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तब आपको मैं ये दिखाऊंगा, और बहुत सारे फार्मर्स इनको खुद पहचानते हैं। अब जब आपने इसको स्प्रे किया तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बन गए। जो इनिशियल फ्रूट सेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारे स्टेजेस पे बहुत सारा फ्रूट भी ड्रॉप होता है, और फाइनली जो आप हार्वेस्ट करते हो, रिसर्च कहता है आप सिर्फ 2% वो फ्रूट्स हार्वेस्ट करते हो जो गिबरलिक एसिड की वजह से बने होते हैं, यानी सिर्फ 2% आप पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हार्वेस्ट करते हो, और जो 98% फ्रूट्स होते हैं वो बिकॉज ऑफ पॉलिनेशन होते हैं, वो पॉलिनेशन की वजह से होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसका ये है कि अगर आपने किसी प्लांट पे स्प्रे किया गिबरलिक एसिड का, वहाँ से आप समझ लीजिए आपने 100 बॉक्सेज हार्वेस्ट किए, 100 बॉक्सेज ऑफ एप्पल आपके पास है, तो उस 100 बॉक्सेज में 2 बॉक्सेज गिबरलिक एसिड की वजह से है यानी जिनमें सीड नहीं होगा, और 98 बॉक्सेज वो होंगे जिनमें सीड होगा, उसका मतलब है वो जो फ्रूट है वो पॉलिनेशन की वजह से बने हैं। अब अगर 98 पॉलिनेशन की वजह से बन रहे और सिर्फ 2% बन रहे हैं गिबरलिक एसिड की वजह से, जिसने ये स्प्रे नहीं किया होता है उसके साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चलिए 98 छोड़िए, उसको तो 90 बॉक्सेज भी नहीं मिलते हैं, तो इसका आंसर हम पहले वाले क्वेश्चन में दे देंगे। अब यहाँ तो इतना समझ आ गया कि जो फाइनल आप हार्वेस्ट करते हैं वो सिर्फ 2% है। अब चलिए दोस्तों, पहले आप फार्मर्स का देखते हैं, फार्मर्स क्या बोलते हैं। 2 तरह के फार्मर्स आपको मिलेंगे। पहला, एक बोलेगा कि गिबरलिक एसिड को स्प्रे किया, 2-3 साल तक तो प्रोडक्शन अच्छी थी, उसके बाद कम हो गई। और एक फार्मर ऐसा बोलेगा कि गिबरलिक एसिड पिछले 10 सालों से स्प्रे कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा कोई मेजर डिप नहीं मिला, मेजर कोई रिटर्न ब्लूम का इशू नहीं हुआ। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है? दोनों एक ही केमिकल स्प्रे कर रहे हैं लेकिन 2 डिफरेंट रिजल्ट्स। अब चलिए जानते हैं दोस्तों असल में क्या होता है। देखिए, अगर आपका क्रॉप लोड इस साल ज़्यादा होगा तो चांसेस है नेक्स्ट ईयर आपके फ्लावर्स कम होंगे, फ्लावर्स कम हुए तो ओबियसली आपके फ्रूट्स कम होंगे। क्रॉप लोड का मतलब हो गया, अगर इस साल आपके इस ट्री पे बहुत ज़्यादा एप्पल है, बहुत ज़्यादा सेब है, तो नेक्स्ट ईयर इसमें कम हो सकते हैं। लेकिन क्या हम इसको मेंटेन कर सकते हैं? क्योंकि 2 ग्रुप ऑफ फार्मर्स है, इसको हम मेंटेन काफ़ी हद तक कर सकते हैं, कम्प्लीटली मेंटेन नहीं कर सकते लेकिन काफ़ी हद तक मेंटेन कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्शन पे कोई ज़्यादा बड़ा असर नहीं पड़ेगा। वो है इसका न्यूट्रिशन, इस प्लांट का हेल्थ। अगर आप इस
प्लांट को न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा देते हो, सही मात्रा में देते हो, इस प्लांट के हेल्थ का ख्याल रखते हो, तो बहुत अच्छे चांसेस है आपको रिटर्न ब्लूम का इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने स्प्रे किया उसके बाद इसके न्यूट्रिशन का कोई ख्याल नहीं रखा तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट ईयर रिटर्न ब्लूम देखना पड़ेगा, क्योंकि जितना क्रॉप लोड ज़्यादा होगा उतने न्यूट्रेंट्स इस प्लांट को ज़्यादा चाहिए, और अगर आप वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो ओबियसली जो प्लांट के पास होंगे वो सारा इन फ्रूट्स को दे देगा और ख़ुद वो थक जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, इसलिए वो नेक्स्ट ईयर फ्रूट्स नहीं बना पाएगा, फ्लावर बड्स नहीं बना पाएगा। ये एक रीज़न हुआ। इसलिए आपको यहाँ दो फार्मर्स मिल रहे, वो जो कह रहा है मैं 10 साल से स्प्रे कर रहा हूँ, वो प्लांट के न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, और जो बोल रहा है बस 2-3 साल तक इसने अच्छा दिया, वो प्लांट के न्यूट्रिशन के साथ ज़्यादा कंसर्न नहीं रहता है, उसको बस बाकी स्प्रेज से मतलब होता है। ये पहला एक रीज़न है। देखिए दोस्तों, दूसरा फैक्टर है सीड। अब सीड क्या करता है, इसमें सीड गिबरलिक एसिड बनाता है। जितना ज़्यादा फ्रूट आपके ट्री पे होगा उसका मतलब उस ट्री पे उतने ही सीड्स होंगे, और ये सीड्स गिबरलिक एसिड बनाते हैं, और ये गिबरलिक एसिड प्लांट को अलाउ नहीं करता है कि आप दूसरे साल के लिए फ्लावर बड्स बनाओ। यानी जितना ज़्यादा फ्रूट होगा उतने ज़्यादा सीड्स होंगे, जितने ज़्यादा सीड्स होंगे उतना ज़्यादा गिबरलिक एसिड बनेगा, और ये गिबरलिक एसिड इस प्लांट को रोकता है कि आप दूसरे साल के लिए ज़्यादा फ्लावर्स नहीं बनाओ। ये दूसरी वजह है। लेकिन यहाँ सवाल है, जो हम गिबरलिक एसिड इसको स्प्रे करते हैं क्या उसकी वजह से हो पाता है? देखिए दोस्तों, उस गिबरलिक एसिड की वजह से पहले तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बन जाते हैं, वो फ्रूट्स जिनमें सीड ही नहीं होता। अब जब उनमें सीड ही नहीं होता है तो कैसे वो रिटर्न ब्लूम में प्रॉब्लम करेंगे, पहला। दूसरा, जिस कंसंट्रेशन पे हम गिबरलिक एसिड को दे रहे हैं, सुकॉस्ट कश्मीर में भी एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ, उसमें भी ये देखा गया जो उनकी डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन थी उसमें रिटर्न ब्लूम का इतना कोई इशू नहीं आया, लेकिन जब कंसंट्रेशन उन्होंने गिबरलिक एसिड की हायर की तो रिटर्न ब्लूम उनमें भी देखा गया। तो जिस कंसंट्रेशन पे हमारे फार्मर्स दे रहे हैं वो बहुत ही डाइल्यूटेड होती है, तो उसकी वजह से रिटर्न ब्लूम पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बन जाते हैं। हाँ, फ्रूट्स ज़्यादा हो गए, न्यूट्रिशन कम हो गया, वो वजह हो सकता है, वो मैंने आपको पहले ही बोला, लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन का ख्याल रखोगे तो आप उस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर सकते हो। अब इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप अपने महाराजी एप्पल को देख लीजिए, एक साल उसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं और दूसरे साल बहुत ही कम या होते ही नहीं है। अब उसके साथ क्या होता है, उसको तो हम गिबरलिक एसिड स्प्रे भी नहीं करते हैं। अगर आप महाराजी एप्पल को खोलोगे तो वहाँ बहुत सारे सीड्स आपको मिलेंगे। अब जितने सीड्स होंगे उतना ज़्यादा गिबरलिक एसिड बनता है, और वो गिबरलिक एसिड उस प्लांट को रोकता है दूसरे साल के लिए फ्लावर बनाने के लिए। एक वजह ये है। दूसरी वजह, हमें पता है ये जो महाराजी है ये लेट वैरायटी है, हम इसको सबसे आखिर में उतारते हैं, उसका मतलब ये हो गया इसको और ज़्यादा न्यूट्रंट चाहिए ताकि ये देर तक इन एप्पल्स को अपने पास रख सके। तो जितना ज़्यादा टाइम हम लेंगे इसको हार्वेस्ट करने में, या जितनी देर तक ये एप्पल्स इस प्लांट पे रहेंगे, उसका मतलब इसको और ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। तो इस प्लांट में क्या होता है, इसमें न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है, उसकी वजह से ये बेयरिंग में चला जाता है, इसकी वजह से ये दूसरे साल फिर फ्रूट ही नहीं देता। तो यहाँ से हमें सीधे पता चल जाता है कि गिबरलिक जिस कंसंट्रेशन पे हम स्प्रे करते हैं उसकी वजह से रिटर्न ब्लूम पे कोई असर नहीं पड़ता। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखना होगा। जिस कंसंट्रेशन पे इसको फार्मर्स कर रहे हैं और जिस तरीके से वो कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है कि उस गिबरलिक एसिड की वजह से रिटर्न ब्लूम पे कोई असर पड़ रहा है। थोड़ा सा पड़ता है, वो हर किसी में पड़ेगा, लेकिन मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। अब ये भी सवाल है, जिसने ये स्प्रे नहीं किया होता है क्या उसके रिटर्न ब्लूम पे असर नहीं पड़ता है? नहीं, उस पे भी पड़ता है, रिटर्न ब्लूम दोनों में होता है। ये हो गया आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि जो फ्रूट ड्रॉप्स है वो क्यों इतना ज़्यादा होते हैं जिन्होंने स्प्रे किया होता है। देखिए दोस्तों, जब आप गिबरलिक एसिड स्प्रे करते हो तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनिशियल फ्रूट सेट होता है, और हार्वेस्ट में सिर्फ 2% उस गिबरलिक एसिड की वजह से बचता है। अब असल में होता क्या है, आपने स्प्रे किया, बहुत ज़्यादा फ्रूट सेट हुआ, फिर 3 स्टेजेस पर यह ड्रॉप होता है। वो क्यों होता है अब देख लीजिए। जो पहला ड्रॉप होता है वो होता है पेटल फॉल से 1 या 2 हफ्ते के बाद। उसमें 3 तरह के फ्रूट्स पाए जाते हैं जो गिरते हैं। पहला अनपॉलिनेटेड, जिसमें पॉलिनेशन नहीं हुई होती है। दूसरा पोअरली पॉलिनेटेड, जिसमें थोड़ी सी पॉलिनेशन हुई होती है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाता है, नीचे गिर जाता है। और तीसरा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, यानी वो फ्रूट जो आपके गिबरलिक एसिड की वजह से बन गया था वो भी यहाँ गिर जाता है। लेकिन अगर आप इस ऑर्चिड को कंपेयर करोगे दूसरे ऑर्चिड के साथ जिसने ये स्प्रे नहीं किया होता है, उसका फ्रूट ड्रॉप इतना नहीं होता है क्योंकि उसके पास वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स नहीं होते हैं, इसलिए
इसमें ज़्यादा फ्रूट ड्रॉप देखने को मिलता है और जिसने नहीं स्प्रे किया होता है उसमें उतना नहीं दिखता है। ये पहला हो गया। दूसरा ड्रॉप आता है जून में। जून ड्रॉप होता है मोस्टली बिकॉज ऑफ कंपटीशन। किनके भी किसके लिए? पानी और मिनरल न्यूट्रंट्स के लिए। किनके बीच में? एक तो फ्रूट्स के बीच में भी होता है और दूसरा प्लांट और ग्रास के बीच में, या प्लांट टू प्लांट कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। हम जानते हैं जून में घास हमारे बागों में बहुत ज़्यादा होती है, तो उस घास को भी पानी चाहिए, न्यूट्रंट्स चाहिए, और प्लांट को भी। तो एक कंपटीशन सा क्रिएट हो जाता है। इस कंपटीशन के चक्कर में इस एप्पल ट्री को कुछ फ्रूट्स गिराने पड़ते हैं। अब इसमें भी अगर आप देखोगे कौन सा फ्रूट गिर रहा है, एक तो वो गिरेगा जो पार्थेनोकार्पिक होगा जिसमें सीड नहीं होगा, और दूसरा वो होगा जिसमें दो या तीन सीड्स होंगे या किसी में प्रॉब्लम हुई होगी, बीमारी हुई होगी, वो गिर जाता है। यहाँ फिर से ड्रॉप थोड़ा सीवियर होता है अगर हम कंपेयर करेंगे उस ऑर्चिड के साथ जिसने ये स्प्रे नहीं किया होता है, क्योंकि वहाँ फिर से पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते नहीं है। फिर तीसरा ड्रॉप होता है जो प्री हार्वेस्ट ड्रॉप के नाम से जाना जाता है, यानी सेब को हार्वेस्ट करने से पहले 15 से 20 दिन पहले जो फ्रूट्स गिर जाते हैं उनको कहते हैं हम प्री हार्वेस्ट ड्रॉप। तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो कौन से फ्रूट गिर जाते हैं, जिनमें बीमारी लगी होती है, या जिनमें सीड नहीं होता है, या जिनमें सीड दो या तीन होते हैं, फिर से वही गिर जाते हैं। इसी तरह जब आप फाइनल में देखते हो हार्वेस्ट कितना होता है, तो वो सिर्फ 2% होता है जो गिबरलिक एसिड की वजह से होता है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको हुआ, ये ड्रॉप्स क्यों होते हैं। अब क्या ये ड्रॉप्स गिबरलिक एसिड की वजह से हो रहे हैं? हाँ, क्योंकि इसमें जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं वो ज़्यादा गिर जाते हैं, तो ये ड्रॉप्स बिल्कुल जो सीवियर होते हैं वो गिबरलिक एसिड स्प्रे करने की वजह से होते हैं, क्योंकि जितना हमने देखा उसमें ज़्यादा फ्रूट कौन सा गिरा, वो गिबरलिक एसिड की वजह से बन गया था। अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है, और इस वीडियो का फाइनली कंक्लूजन हम क्या निकाले, वो इंशाल्लाह मैं कल पार्ट 3 में इसके आपको बोलूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। इंशाल्लाह 24 आवर्स के बाद उस वीडियो को आप इसी यूट्यूब चैनल पर फिर से देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।